नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर हमारे YouTube चैनल पे आपका स्वागत है। आइए हम आपको बताते हैं आयुष्मान कार्ड नेट पे कैसे चेक करते हैं अपना। इसके लिए सबसे पहले कोई भी ब्राउज़र पे जाएंगे, उसके बाद आपको टाइप करना है बेनिफिशरी। ये जिसे हमने टाइप किया beneficiary.nha.gov.in। इसके बाद क्या करना है हमको, जो भी मोबाइल, कोई भी एक मोबाइल इस पर डाल देना है हमको। ये हमने मोबाइल डाल दिया। मोबाइल डालने के बाद इसको वेरीफाई करना है। वेरीफाई करने के लिए मोबाइल पे एक OTP आएगा, वही से मोबाइल पे ही आएगा जो नंबर हमने इसमें डाल रखा है। यहाँ देखिए ये OTP आ गया हमारे पास। ये OTP है 601837 601837, ये हमने डाल दिया। उसके बाद यहाँ पे आपको ये फिल करना पड़ेगा जो आपका कैप्चर है। कैप्चर डालने के बाद ये आगे जैसे भरेंगे आप, तो यहाँ पे अलाउ का ऑप्शन आपसे पूछेगा। अब ये जैसे ये चीज़ें जैसे आप मोबाइल पे करेंगे ना, तो ये आपका लोकेशन ऑन हो जाएगा फ़ोन पर। ये आपका आयुष्मान कार्ड का वेबसाइट खुल गया। अगर इसको डेस्कटॉप साइट पे जाना है तो यहाँ पे आप डेस्कटॉप साइट पे क्लिक कर देंगे। यहाँ दिख रहे हैं आप, बट हमें डेस्कटॉप साइट, ये देखिए ना, ये जो बटन है यहाँ पे डेस्कटॉप साइट है, बट हमें डेस्कटॉप साइट पे नहीं, हमें मोबाइल के वेबसाइट पे ही चेक करना है। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले क्या करना होगा, स्टेट सेलेक्ट करना होगा। स्टेट पे जाएंगे आप, यहाँ पे जो भी स्टेट आपका वो स्टेट सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद आपका डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना होगा। ये देखिए, जैसे हमने यहाँ दरभंगा का करना था, डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद यहाँ पे ऑप्शन है आपका, राशन कार्ड के थ्रू कर सकते हैं, आधार कार्ड से। यहाँ सबसे ज़्यादा कस्टमर को होते हैं आधार कार्ड, तो मैं आधार कार्ड से चेक करा रहा हूँ आपका। जैसे ये राशन आधार कार्ड है इनका 3504628785। ये जैसे आधार कार्ड डाला हमने, ये सर्च हो गया। सर्च होकर के ये दिखा दिया इनका राशन कार्ड। इस राशन कार्ड में दो व्यक्ति के नाम हैं, ठीक है, MD इसलक और दूसरा है MD इरशद। दो व्यक्ति का नाम है और दोनों का इसमें, ये देखिए यहाँ दिख रहे हैं ना, KYC पेंडिंग दिखा रहा है। दोनों में से किन्हीं का भी वो नहीं बना हुआ। आपका नाम क्या है? अभी हम किसी कस्टमर का बना रहे हैं। क्या नाम है? इरशाद। अब ये इरशाद जी का हम बना रहे हैं यहाँ पे, MD इसलक, MD इरशाद दूसरा नाम है इनका, ठीक है, MD इस्लाम फादर नेम है ना। तो ये दूसरा वाला का हम बना रहे हैं। यहाँ पे eKYC में जाएंगे। मोबाइल आधार से लिंक है? लिंक नहीं है। यहाँ पे देखिए मोबाइल वेरीफाई पे, जब जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पे चेक मार्क पे क्लिक करेंगे, अलाउ आ गया। अलाउ के बाद ये देखिए, अभी थोड़ा सर्वर का प्रॉब्लम है, मोबाइल OTP भेज के डायरेक्टली कर सकते हैं, नहीं तो दूसरा ऑप्शन है। देखिए इनका मोबाइल लिंक नहीं है, ये बता दिया आपका मोबाइल लिंक नहीं है। तो यहाँ पे आपका कस्टमर का फिंगर से कर सकते हैं, या IR ये जो है ना इनका आँख प्रिंट से भी कर सकते हैं, बट इसके लिए आपको मोबाइल में वो दोनों सॉफ्टवेयर डाल करके वो करना। जैसे फिंगर पे क्लिक करेंगे, आपको अपने मोबाइल में USB कनेक्टिविटी करके जो भी आपका फिंगर डिवाइस है उसको कनेक्ट करना पड़ेगा। फिंगर पे कस्टमर का अंगूठा लेना है, फिर ऑथेंटिक पे क्लिक करेंगे, फिर आपका फ़ोटो सबमिट होगा, फिर आपका आयुष्मान कार्ड रेडी हो जाएगा। इस तरीके से आप किसी का भी आयुष्मान कार्ड इस तरीके से चेक कर सकते हैं। और इसमें इसके अलावा आप किसी का डाउनलोड करना है तो डाउनलोड करने के लिए, जैसे यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट डाला ना, यहाँ आधार डाला, यहाँ पर आप रूलर डाल दीजिए जो भी आपका गांव है। यहाँ पे हमने ब्लॉक डाल दिया, जो ब्लॉक है और जो गांव है, कौन सा गांव है आपका? पिंडारुच जैसे इनका है, तो यहाँ पे पिंडारुच पे क्लिक करेंगे। अब पिंडारुच के जितने लोगों का आयुष्मान कार्ड बना हुआ नेट पर, यहाँ देखिए आयुष्मान कार्ड आपको दिख जाएगा। अब जैसे यहाँ पे देखिए उदय चंद्र झा जी का इनका बना हुआ है, यहाँ से जा करके आप डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे आप डाउनलोड करेंगे कस्टमर के पास एक OTP जाएगा, फिर आप यहाँ से डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं। बट याद रहे, जो कस्टमर मोबाइल से डाउनलोड करेगा उसको कस्टमर का मोबाइल लेकर के आना पड़ेगा, नहीं तो उसको फिंगर देना पड़ेगा। बिना फिंगर दिए हुए, बिना कस्टमर का मोबाइल लाए हुए या बिना OTP के दिए हुए ये डाउनलोड नहीं होगा। तो ये चीज़ का ध्यान रखें। आयुष्मान कार्ड डाउनलोड करने के लिए बहुत आसान तरीका है। इस तरीके से आप इजी प्रोसेस से आयुष्मान कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। और यहाँ आप बाहर निकल करके इससे बाहर आ जाइए आप, और यहाँ जैसे इसका नहीं, किसी का नहीं बना हुआ है, यहाँ आप यहाँ देखिए KYC में जा करके आप अपना नाम इसमें लिस्ट में सर्च कर लीजिए। ये देख रहे हैं यहाँ पे, ये पहला पेज है। इस तरह का बहुत सारा पेज है, ये 27 पेज दिखा रहा, और भी पेज है। जिसका भी KYC नहीं है
अब अपना नाम इसमें लिस्ट में चेक कर लें, उसके सामने जाकर के केवाईसी पे क्लिक करें, और जैसे ही आप केवाईसी में क्लिक करेंगे ये आपका आपका ही ऑप्शन खुल जाएगा। यहाँ देखिए किसी का भी लिस्ट में केवाईसी में नाम क्लिक करेंगे ना जैसे आप, तो इस पर नहीं खुल रहा है। हाँ देखिए ये देखिए खुल गया आपका यहाँ पर, नहीं केवाईसी नहीं। चलिए इससे आगे की जानकारी हम आपको अगले वीडियो में देंगे। इसी तरह के वीडियो और भी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और फॉलो करना ना भूलें।